गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर फिफ्थ में डिस्कस करेंगे इंस्ट्रक्शन के बारे में और एड्रेसिंग मोड। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इंस्ट्रक्शंस क्या होती है। सो आज का हमारा लेक्चर नंबर है फिफ्थ, लेक्चर फिफ्थ। तो आज का आर्टिकल है हमारा इंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं इंस्ट्रक्शन क्या होती है। इंस्ट्रक्शन इज बेसिकली ए कमांड गिवन टू द माइक्रो प्रोसेसर फॉर डूइंग ए स्पेसिफिक ऑपरेशन। एक स्पेसिफिक ऑपरेशन करने के लिए एक कमांड जो कि माइक्रो प्रोसेसर को दी जाए वो क्या होती है, इंस्ट्रक्शन कहलाती है। तो इंस्ट्रक्शन जो है बेसिकली इसके हमारे पास दो पार्ट होते हैं। तो इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। नंबर फर्स्ट इज द ऑपरेशन कोड विच इज नॉर्मली कॉल्ड एज ऑप कोड, एंड सेकेंड पार्ट जो होता है वो आपका क्या होता है, ऑपरेंड, ओ पी ई आर ए एन डी। तो इंस्ट्रक्शन हमारी किन से मिलके बनी है, ऑप कोड प्लस ऑपरेंड। तो हमारे पास अगर बात करें, हमारे पास तीन तरह की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन, टू बाइट इंस्ट्रक्शन और थ्री बाइट इंस्ट्रक्शन। सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं उसके अंदर केवल हमें ऑपरेशन कोड ही अवेलेबल होता है, और ऑपरेंड जो होता है वो विद इन द ऑपरेशन कोड ही रहता है, स्पेशल ऑपरेशन कोड उसमें नहीं होता है सिंगल बाइट की इंस्ट्रक्शंस में। एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं हम, मूव बी कोमा सी। तो ये हमारी क्या है, सिंगल बाइट की इंस्ट्रक्शन है। इस इंस्ट्रक्शन के अंदर अगर हम बात करें तो ये हमारी सिंगल बाइट की है, तो दिस इज ओनली हैविंग ए ऑपरेशन कोड, इसके अंदर ऑपरेंड हमारा नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें टू बाइट और थ्री बाइट की इंस्ट्रक्शंस में, उनमें हमारे पास ऑपरेशन कोड भी रहेगा और ऑपरेंड भी रहेगा। तो ऑपरेंड बेसिकली क्या होता है, इट मे बी ए 8 बिट और 16 बिट डाटा हो सकता है, कोई इंटरनल रजिस्टर्स हो सकता है लाइक बी सी डी ई, ऐसे जो रजिस्टर्स होते हैं, या फिर ये कोई एड्रेस भी हो सकता है, इट मे बी ऑफ 8 बिट एड्रेस और 16 बिट एड्रेस, या फिर ये कोई मेमोरी भी हो सकती है। तो एग्जांपल अगर हम लें लाइक एम वी आई ए कोमा 30H, तो ये जो इंस्ट्रक्शन है इसके अंदर एम वी ए दिस इज द ऑपरेशन कोड एंड दिस इज द ऑपरेंड। तो ये आपका 30H जो है ये बेसिकली क्या है, हमारा ऑपरेंड है, सो इट इज़ ए 8 बिट डाटा। तो बेसिकली इंस्ट्रक्शन का अगर हम टास्क देखेंगे तो क्या होगा कि 30H जो है इमीजिएटली ए रजिस्टर में मूव कर जाएगा। दिस इज पार्ट इज कॉल्ड सोर्स पार्ट एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड डेस्टिनेशन, दिस इज द डेस्टिनेशन एंड दिस पार्ट इज द सोर्स। तो बेसिकली इसमें एक पॉइंट याद रखना होता है कि ये जो आपका साइज है या इसकी इसका हम कहेंगे कि कितने बिट का है ये बेसिकली डाटा, सोर्स जो है और ये आपका डेस्टिनेशन जो है, इन दोनों का साइज जो है वो सेम होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे आपने 2 बाइट का डाटा ले लिया या एड्रेस ले लिया, और यहाँ पे आपका जो सोर्स डेस्टिनेशन है वो आपका 1 बाइट का हो, तो अगर ये 1 बाइट का है तो ये भी 1 बाइट का होना चाहिए। अगर सोर्स आपका 2 बाइट का है तो आपका डेस्टिनेशन भी 2 बाइट का होना चाहिए। एग्जांपल के केस में और ले सकते हैं हम LXI B, 1000H। अब इस इंस्ट्रक्शन के अंदर दिस इज द ऑपरेशन कोड एंड दिस इज द
ओपरेंड। अब इस ओपरेंड के केस में ये आपका 2 byte का डाटा है, बेसिकली 16-bit डाटा हेक्साडेसिमल में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये जो 16-bit का डाटा है, दिस इज द ओपरेंड एंड दिस इज द ऑपरेशन कोड एंड दिस इज द डेस्टिनेशन। अब यहाँ पर ये जो आपका है 16-bit का है, दिस इज अ 16-bit, तो सोर्स यहाँ पे क्या है 16-bit का है, तो डेस्टिनेशन भी क्या होना चाहिए 16-bit का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे केवल हमने B शो किया हुआ है। तो LXI कमांड या LXI इंस्ट्रक्शन के अंदर हम 3 pairs होते हैं हमारे, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास 3 pairs अवेलेबल होते हैं, BC, DE और HL। तो इनमें से कोई भी पेयर अगर हम यूज़ करना चाहें फॉर द 16-bit डाटा के लिए, तो उसका हमारे को हायर जो लेटर है, फर्स्ट लेटर B, D या H, यहाँ पे हमें राइट करना है। तो इस केस में हमने B लिया हुआ है, तो ये जो 1000H है ये आपका डायरेक्टली BC रजिस्टर पेयर जो है उसके अंदर मूव कर जाएगा। तो इस तरह से और कमांड्स भी हमारे पास, फॉर एग्जांपल LDA 4000H। अब यहाँ पे क्या है, इट इज ए एड्रेस एंड दिस इज द ऑपरेशन कोड, लेकिन यहाँ पर जो है ये एड्रेस तो आपका 16-bit का है, लेकिन यहाँ पे एक्यूमुलेटर जो है सोर्स है आपका, तो इसका मतलब ये आपका डायरेक्ट इसमें नहीं जाएगा, ये एक मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। 4000 इज बेसिकली ए मेमोरी लोकेशन, ये आपकी क्या है एक मेमोरी लोकेशन है। लेट अस सपोज दिस इज 4000H एंड सपोज यहाँ पर हमारा 50H अवेलेबल है, तो ये 50H हमारा कहाँ चला जाएगा, टू रजिस्टर ए। तो एक्यूमुलेटर के अंदर आपका ये 50H जो है मूव कर जाएगा, लोड हो जाएगा। तो लोड द 50H डाटा अवेलेबल एट द 4000H मेमोरी लोकेशन एंड इट मूव टू लोड टू रजिस्टर ए। तो इस तरह से हमने देखा कि ये आपका सिंगल बाइट की इंस्ट्रक्शन है, ये आपकी 2 byte की इंस्ट्रक्शन है, ये आपकी 3 byte की इंस्ट्रक्शन है, ये भी आपकी 3 byte की इंस्ट्रक्शन है। सिंगल बाइट की इंस्ट्रक्शन में केवल ऑपरेशन कोड है, 2 byte की इंस्ट्रक्शन में ऑपरेशन कोड है 1 byte का, 1 byte का डाटा है। 3 byte की इंस्ट्रक्शन में यहाँ पर 1 byte का ऑपरेशन कोड है, 2 byte का 16-bit का भी कह सकते हैं या 2 byte का डाटा है। एंड इन फोर्थ इंस्ट्रक्शन दिस इज ऑफ 16-bit एड्रेस और LDA का आपका 1 byte का ऑपरेशन कोड होगा। तो इस तरह से ये भी आपकी 3 byte की इंस्ट्रक्शंस है। तो अगर बात करें तो हमारी 8085 प्रोसेसर के अंदर 256 इंस्ट्रक्शंस होती हैं और ये सारी इंस्ट्रक्शंस हमारी या तो सिंगल बाइट की होती है या 2 byte की होती है या 3 byte की होती है। तो बेसिकली फिर से रिवाइज करते हैं, इंस्ट्रक्शन क्या होती है। इंस्ट्रक्शन इज बेसिकली ए कमांड, इंस्ट्रक्शन इज बेसिकली ए कमांड गिवन टू द माइक्रो प्रोसेसर फॉर डूइंग सर्टेन ऑपरेशंस, फॉर डूइंग सर्टेन टास्क। तो इंस्ट्रक्शन के हमारे 2 sections होते हैं, ऑपरेशन कोड एंड ऑपरेंड। ऑपरेशन कोड हमें बताता है कि क्या टास्क करना है और ऑपरेंड हमारा बेसिकली एक डाटा होता है जिसके ऊपर ऑपरेशन होना होता है। तो ऑपरेंड इज बेसिकली ए डाटा, इट इज ऑफ 8-bit और इट मे बी ऑफ 16-bit, इट मे बी एड्रेस और इट मे बी ए रजिस्टर। तो ये रजिस्टर भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रजिस्टर है जो कि ऑपरेशन कोड के अंदर ही अवेलेबल है, यहाँ पे डाटा है, यहाँ भी डाटा है और यहाँ पे ये एड्रेस है। तो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है एड्रेसिंग मोड्स, एड्रेसिंग मोड्स इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर, एड्रेसिंग मोड्स इन 8085 माइक्रो
प्रोसेसर। तो बेसिकली क्या है हमारे पास इन 8085 वी हैव फाइव टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स, पांच तरह के एड्रेसिंग मोड्स होते हैं। कौन कौन से एड्रेसिंग मोड होते हैं वो भी देखेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले बात करें कि एड्रेसिंग मोड होता क्या है। एड्रेसिंग मोड्स आर बेसिकली द मेथड और द वेज। एड्रेसिंग मोड्स आर बेसिकली द वेज बाय विच ए माइक्रो प्रोसेसर कैन एक्सेस डाटा फ्रॉम सम लोकेशन, फ्रॉम सम एड्रेस। तो ये डाटा को एक्सेस करने के तरीके होते हैं। सो एड्रेसिंग मोड्स आर बेसिकली द मेथड्स बाय विच ए प्रोसेसर कैन एक्सेस डाटा इन वेरियस वेज। वो क्या क्या तरीके हो सकते हैं, जैसे एड्रेस हमारा विद इन द इंस्ट्रक्शन हो सकता है, डाटा कहाँ पे अवेलेबल हो सकता है विद इन द इंस्ट्रक्शन हो सकता है, या किसी रजिस्टर में हो सकता है, या किसी मेमोरी लोकेशन में हो सकता है। तो डाटा हमारा बेसिकली तीन तरह से पाया जाता है, कहाँ कहाँ पर हो सकता है डाटा। पहला आपका रजिस्टर में हो सकता है, सॉरी फिर से रिपीट करते हैं, पहला आपका इंस्ट्रक्शन में हो सकता है, दूसरा रजिस्टर में हो सकता है, तीसरा मेमोरी लोकेशन पे हो सकता है। तो एड्रेसिंग मोड्स वो तरीके हैं जिससे एक प्रोसेसर डाटा को एक्सेस करता है। तो रिपीट करते हैं डेफिनेशन, एड्रेसिंग मोड्स आर द वेज और मेथड बाय विच ए माइक्रो प्रोसेसर कैन एक्सेस द डाटा। कहाँ कहाँ से एक्सेस कर सकता है, नंबर वन इंस्ट्रक्शन, नंबर टू रजिस्टर्स एंड नंबर थर्ड मेमोरी लोकेशंस। तो इन तीनों पर डिपेंड करते हुए हमारे पास वी हैव फाइव टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो पहला देखते हैं इमीजिएट एड्रेसिंग मोड। इमीजिएट एड्रेसिंग मोड इमीजिएट एड्रेसिंग मोड तो इमीजिएट एड्रेसिंग मोड में हमारे पास क्या होगा, डाटा कहाँ पर अवेलेबल होगा विद इन द इंस्ट्रक्शन। हमारा डाटा अवेलेबल होगा, इसके अंदर डाटा हमारा वन बाइट का भी हो सकता है और टू बाइट का भी हो सकता है। अभी हमने ये दो इंस्ट्रक्शन डिस्कस करी थी, एम वी आई बी कोमा 30H एंड LXI D कोमा 2000H। तो इन दोनों इंस्ट्रक्शंस में दिस इज ऑफ टू बाइट इंस्ट्रक्शन, दिस इज ऑफ थ्री बाइट इंस्ट्रक्शन। इन दोनों इंस्ट्रक्शंस के अंदर ये आपका वन बाइट का डाटा है और ये आपका टू बाइट का डाटा है जो कि हेक्साडेसिमल कोड से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये डाटा आपका जो है बी रजिस्टर पर इमीजिएटली मूव हो जाएगा। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन क्या होगा, बी विल गेट 30H एंड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ LXI डी कोमा 2000H हमारा डी ई पेयर जो है उसके अंदर हमें क्या मिलेगा, 20 and 00H। तो इसमें हम 16 बिट का डाटा डी ई पेयर में इमीजिएटली लोड हो जाएगा। तो इस तरह से इमीजिएट एड्रेसिंग मोड क्या है, इमीजिएट एड्रेसिंग मोड इज बेसिकली द इंस्ट्रक्शंस इन विच द डाटा इज अवेलेबल विद इन द इंस्ट्रक्शन। इमीजिएट एड्रेसिंग मोड द डाटा आइदर वन बाइट आइदर टू बाइट, दोनों ही डाटा कहाँ पे अवेलेबल होंगे, आर अवेलेबल विद इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। सो दीज इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ इमीजिएट एड्रेसिंग मोड। उसके बाद स्टार्ट करते हैं सेकंड एड्रेसिंग मोड, इज कॉल्ड रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में हमारा सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों ही रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। फॉर एग्जाम्पल मूव बी कोमा सी, मूव बी कोमा सी, अब ये क्या है आपका सोर्स है एंड दिस इज डेस्टिनेशन। तो सोर्स भी आपका वन बाइट का है, डेस्टिनेशन भी
वन बाइट का है, तो डाटा आपका डायरेक्टली सी रजिस्टर से बी रजिस्टर पर मूव हो जाएगा। तो लेट अस सपोज सी हैविंग 30H, तो आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ मूव बी कोमा सी, बी विल गेट 30H। इसमें सी के पास भी ये पहले 30H है, तो ये लॉस्ट नहीं होगा, यहाँ रहेगा, अवेलेबल रहता है, और बी में भी आपका 30H मूव हो जाएगा, कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में हमारा क्या हुआ, डेस्टिनेशन, सोर्स एंड डेस्टिनेशन दोनों हमारे क्या हैं, दोनों ही हमारे रजिस्टर हैं, इसीलिए इस इंस्ट्रक्शन को हम कहते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। तो डाटा जो है हमारा कहाँ पे अवेलेबल है, सी रजिस्टर में अवेलेबल है, और वो बी रजिस्टर पर मूव कर जाएगा। तो इसमें दोनों ही हमारे रजिस्टर्स यूज़ होते हैं, इसीलिए इन रजिस्टर्स, इस पार्टिकुलर एड्रेसिंग मोड को हम कहेंगे रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। नंबर थर्ड बात करते हैं हम डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हमारा जो डाटा है वो एक मेमोरी लोकेशन में अवेलेबल होता है, और उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस डायरेक्टली हमारा इंस्ट्रक्शन में अवेलेबल होता है। फॉर एग्जांपल LDA 3000H, तो यहाँ पे हमें केस लेना पड़ेगा, लेट अस सपोज वी हैव सम मेमोरी और यहाँ पर इसके कुछ एड्रेसेस गिवन हैं, लेट अस सपोज 3000H, 3001H, और इस तरह से ये हमारी मेमोरी लोकेशन है। तो यहाँ पे मान के चलते हैं कि हमारे पास 50H डाटा अवेलेबल है इन द मेमोरी लोकेशन 3000H। तो ये हमारा क्या है, दिस इज़ द एड्रेस, दिस इज़ द मेमोरी एड्रेस। तो इस इंस्ट्रक्शन के अंदर हमें डायरेक्टली एक मेमोरी एड्रेस हमें मिलता है, जिस एड्रेस से हमारा जो डाटा है 50H, ये हमारा कहाँ चला जाएगा, ए रजिस्टर पर मूव कर जाएगा। तो आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन ए विल गेट 50H। तो इस इंस्ट्रक्शन को हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अनदर इंस्ट्रक्शन है हमारी फॉर एग्जांपल STA। अब हम चाहते हैं कि ये जो डाटा है ए में, ये कहीं और मूव कर जाए, तो इसके लिए हम एक डिफरेंट मेमोरी लोकेशन यहाँ पे ले सकते हैं। तो आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन दिस 50 विल मूव टू सम मेमोरी लोकेशन 5000H। तो लेट अस सपोज कि यहाँ पर 5000H हमारी कोई लोकेशन है जहाँ पे ये क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो स्टोर द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर टू द मेमोरी एड्रेस 5000H। तो इस तरह से डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हमारा जो डाटा है वो एक मेमोरी लोकेशन पे रहता है, यहाँ पे हो सकता है या यहाँ पे गया है वो। तो ये जो मेमोरी लोकेशंस का एड्रेस है वो हमारा इंस्ट्रक्शन के अंदर स्पेसिफाई होता है, इसीलिए इस एड्रेसिंग मोड को हम डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कहते हैं। नंबर फोर्थ इज द रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो जैसे इस नाम से ही पता चलता है, एक तो इसमें रजिस्टर यूज हो रहा है, नंबर सेकंड इनडायरेक्ट। तो अभी हमने डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की थी, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हमने देखा कि हमें इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या मिलता है, एक मेमोरी एड्रेस मिलता है जहां पर डाटा अवेलेबल है। तो इसका मतलब इस इंस्ट्रक्शन में भी हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारा 3000 पर कोई 3000H पर मेमोरी लोकेशन पर एक डाटा है जो अवेलेबल है, और हम चाहते हैं कि ये डाटा हमारा किसी रजिस्टर पर मूव कर जाए।
जैसे कि लास्ट इंस्ट्रक्शन में हमने किया था STA या LDA 3000H, तो इस पार्टिकुलर मेमोरी लोकेशन से डायरेक्टली A पर चला गया था। तो इसमें भी हमारा एक चीज़ तो क्लियर है कि इसमें हमें इस डाटा को मूव कराना है। सो दिस इज़ द सोर्स लोकेशन एंड दिस इज़ द सोर्स डाटा। उसके बाद है हमारा इसमें रजिस्टर यूज हो रहा है, तो इसमें पहला जो कमांड रहेगी वो दैट इज LXI H 3000H। तो ये जो मेमोरी लोकेशन है जहाँ से हमें डाटा लेना है, वो मेमोरी लोकेशन हमें सबसे पहले ऐसे डाटा की तरह स्टोर कराना पड़ेगा HL पेयर में। तो आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन LXI H 3000H, तो यहाँ पे क्या होगा, HL पेयर में हमारा ये लोड हो जाएगा। तो 3000H तो 3000H जो है हमारा HL पेयर में लोड हो गया ये डाटा। अभी उसके बाद हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं मूव A, M। अब M जो है M इंडिकेट करता है मेमोरी को, मेमोरी लोकेशन। लेकिन कौन सी मेमोरी लोकेशन, मेमोरी तो बहुत ज़्यादा होती है। M जो है मेमोरी में से वो मेमोरी लोकेशन सिलेक्ट करता है या उस मेमोरी लोकेशन को एक्टिवेट करेगा जो एड्रेस जो है आपका HL पेयर में होगा। तो यहाँ पे HL पेयर में अगर हमारा 3000H है तो 3000H की मेमोरी लोकेशन को एक्टिव करेगा और यहाँ से 50H जो है आपका A पर चला जाएगा। तो A में हमें क्या मिलेगा, 50H। तो ये जो है आपका 50H A में जो गया है, दिस इज कॉल्ड रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो ये क्या है आपका, ये जो HL पेयर है, दिस पेयर इज यूज्ड एज ए रजिस्टर फॉर सेंडिंग द डाटा ऑफ दिस एड्रेस। तो इसमें में एड्रेस स्पेसिफाई है, लेकिन वो एड्रेस एक रजिस्टर पेयर में है, ना कि एक इंस्ट्रक्शन के अंदर है। तो ये आपका रजिस्टर पेयर क्या है, इनडायरेक्ट तरीके से हम यूज कर रहे हैं ताकि इसी एड्रेस का डाटा हमारा एक सोर्स एक्यूमुलेटर में चला जाए। तो इस तरह से इस एड्रेसिंग मोड को हम क्या कहते हैं, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड कहते हैं। HL की जगह हम दूसरा पेयर यूज नहीं कर सकते, लाइक BCDE पेयर, ये हमारे यूज नहीं होंगे। ओनली H पेयर यहाँ पे यूज होता है इन केस ऑफ रजिस्टर एड्रेसिंग, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के अंदर। नंबर फिफ्थ है हमारा इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड, इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। इस पार्टिकुलर एड्रेसिंग मोड के अंदर हमारा क्या होता है, इट डज नॉट रिक्वायर द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड टू परफॉर्म द ऑपरेशन। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारा ऑपरेंड की जरूरत नहीं होती, इसमें केवल आपका क्या रहता है, ऑपरेशन कोड ही अवेलेबल रहता है, लाइक CMA। अब ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एक्यूमुलेटर। CMA क्या करेगा, एक्यूमुलेटर के अंदर जो भी डाटा होगा उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या है, ऑपरेंड की जरूरत नहीं है, ऑपरेशन कोड के अंदर ही जो आपका ऑपरेंड है और यहाँ पे जो आपका सोर्स है वो एक ही है, जो कि एक्यूमुलेटर है। तो वो इंस्ट्रक्शंस जिनके अंदर सोर्स और डेस्टिनेशन एक्यूमुलेटर ही हो, वो इंस्ट्रक्शंस आपकी क्या कहलाएंगी, इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड कहलाएंगी। सो दीज इंस्ट्रक्शंस ऑपरेट ओनली विद द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर। तो इसमें सोर्स भी आपका एक्यूमुलेटर रहेगा और डेस्टिनेशन भी एक्यूमुलेटर रहेगा। ये कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन होगी,
वन बाइट की इंस्ट्रक्शन होगी। तो इस तरह से फॉर एग्जांपल आपका राल, RAL राल, इसमें क्या होगा, एक्यूमुलेटर के कंटेंट रोटेट होंगे लेफ्ट डायरेक्शन में। तो इस तरह से डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस और भी हैं हमारे पास जिनके अंदर केवल एक्यूमुलेटर यूज़ किया जाए एज ए सोर्स और डेस्टिनेशन, वो सारी इंस्ट्रक्शंस क्या कहलाएंगी, हमारी इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड कहलाएंगी। तो इसके अंदर हमारा ऑपरेंड की ज़रूरत नहीं होती, इट डज नॉट रिक्वायर द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। तो ऑपरेंड यहाँ पे नहीं होगा, केवल ऑपरेशन कोड ही रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।